see the terminal? Are you stunned? MariaDB star. सर मारिया कॉल दूं या मारिया डीबी साथ में दो एम ए आर वाई ए आई ए आई ए पर नाम में ही एक कंफ्यूजन होता है किसी तरह लिख सकता है मारिया तो होता ही होगा मारिया पारिया फारिया सब होता है पर स्पेल अलग अलग होता है कहीं वाई से भी होगा कहीं आई से भी होगा नेम में तो यही होता है ना सर मारिया वाई से भी होता है हाँ सर इंडिया उठा उधर ऑस्ट्रेलिया हारा था ऑस्ट्रेलिया हारा था साउथ अफ्रीका जीता इंडिया वाला देखे थे इंडिया जीत गया अब चलना तो चल गया अब नहीं चलेंगे बस अब इंडिया टॉप नंबर पे आ गया हम न्यूजीलैंड से खेलेगी न्यूजीलैंड से 11 तारीख सही हो गया सर लेकिन मैंने तो देखा सब करते तो नहीं करते इंग्लैंड बहुत भारी पड़ता है इंग्लैंड से इंग्लैंड भारी पड़ता है राइट दूसरे नंबर पर होते तो इंग्लैंड से खेलना पड़ता सेमीफाइनल है ना सर अभी तो चलना तो चल गया आप सही आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे ये काम करेंगे बिजनेस तो इंडिया वाले लास्ट मैच का तो शुरू हो जाए ऐसी बात नहीं है जाएंगे जाएंगे रोहित ने 5 शतक मार दिए वर्ल्ड कप में गिल ने 5 शतक ठोक दिए मेरा तो सीरीज वही होगा नहीं सर तो एक बाबुल हसन जो कि बांग्लादेश का था बांग्लादेश छट गया सर सर कुछ नहीं था मारिया डीबी ये मिस्टर मारिया डीबी सर स्मॉल नहीं होगा ठीक है ना यस सर कमान चलाऊं हाँ हैस पे जाके हैस पे है ना हाँ तो माइसी पे लिखो हाँ इंटर यार ये मारिया डीबी वेलकम टू मारिया डीबी मॉनिटर कमांड एंड विद द कॉलम और जी कॉपीराइट इतने क्या क्या दिखा रहा सर आ गया मारिया डीबी नन आ गया ना मतलब मारिया डीबी के तो उस पे चले गए कंसोल पे चले गए हमें भी चलाना है तो फिर पैकेज का क्या काम है मतलब कौन कौन से मेन पैकेज होते हैं मारिया डीबी के इंस्टॉलेशन के लिए अगर यदि तुम्हें मैनुअल इंस्टॉल करना पड़े यम नहीं चल रहा होगा तो वही पैकेज डाउनलोड करोगे ना जो इसके लिए रिक्वायर्ड होगा मारिया डीबी हाइफन सर्वर फिर लिखो नीचे मारिया डीबी हाइफन बेंच हाइफन बेंच बी ई एन सी एच
चाहिए मारिया डीबी हाइफन टेस्ट। कल से खाने में हाइफन टेस्ट टेस्ट नीचे लिख लो मारिया डीबी हाइफन क्लाइंट करना होगा तो डीपीसी माई डॉट सी एन एफ फाइल में चेंज करोगे। क्या करना होगा? जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है इसकी vietc my.cnf my.cnf MySQL करके खुला है सर। इसमें क्या चेंज करेंगे? इसमें क्या चेंज करेंगे? अगर चेंजेस करना हो तो बता रहे हैं। करना पड़ता है क्या कभी? हाँ जैसे कुछ तो मेडिसिनल चीज चाहिए तो चेंज करोगे ना यहाँ पे बहुत सारे MySQL के पैरामीटर होते हैं ठीक है और अगर तुम पैरामीटर यहाँ पे सेट करोगे तो ये किसी फाइल में चेंज करोगे। तो मैं कुछ चेंज करके देखूँ कुछ चेंज करवाएंगे आप? किस लिए से मतलब अपने फाइल है उसके अंदर? इसके अंदर अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल अगर तुम चाहते हो रखना पर सर इसके अंदर तो पहले से CNF सर्वर CNF MySQL क्लाइंट डॉट CNF ये सब पड़ा हुआ इसके अंदर ये लिख देना कंफ्यूज होते रहे। लिखो मैं लिखवा रहा हूँ लिखो इंस्टेड ऑफ एडिंग डी कॉन्फ़िगरेशन टू द slash etc my.cnf file slash etc my.cnf file comma a newly create file name newly 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 create file name star.cnf star be added to the slash etc my.cnf.d dot d directly ये डायरेक्टरी का ही नाम है। होल्डिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ MariaDB समझ रहा क्या बोला MariaDB
अबे यार इसका मतलब क्या हो रहा है? होल्डिंग माने किसी चीज को रखने के लिए। हाँ इस वाली डायरेक्टरी पे ये फाइल होल्ड के लिए रखी है। हाँ रखने के लिए मारिया डीवी का कोई भी फाइल इस पे रखने के लिए। तो तुम कहीं भी चला सकते हो सिस्टम पीटीएल। नहीं वो नहीं, पर जो हाँ हम सीएनएफडी के अंदर हूँ मैं। नहीं मैंने आगे इसमें कोई काम तो नहीं है। स्टेटस देखने के लिए कि सर्विस चल रहा है कि नहीं चल रहा सिस्टम सीटीएल। पता है सर स्टेटस मारियो इतना तो सर सिखा ही लिया आपने। आप ये सब बहुत अच्छा से सिखा दिए हैं सर। रिमूव करना और क्या बोलते हैं यमरना जी भूल जाते हैं ना, डिलीट करना, डिलीट करना, आर्काइव करना। लिख लिया हो ना एनाकोंडा वाला, ये सब छोटा छोटा चीज है लेकिन बहुत मायने रखता है। एनाकोंडा वाला नहीं लिखा है, नहीं पूछ रहा था तुमने बताया इसको एनाकोंडा क्या है। एक टाइम शादी समारोह में हॉलीवुड में इसको मूवी सांप का नाम दिया गया था। हम लोग पढ़ाई में इसको देख लिया था। एक्टिव है स्पेस STAT। हाँ स्पेस हाइफन TUN यू टी फॉर टाटा यू फॉर अम्ब्रेला। हाँ एन TU L N N P ये क्या है? टून टूनलन क्या है सर? कमांड है चलाओ तो आ गया। इसको देखो मारी डीवी देखी है बोट नंबर एक मिनट देख रहा हूँ सर। मारिया MySQL का है सर PI MySQL का है सर 30773 ये PID नंबर है। PID नंबर है। पोर्ट नंबर कहाँ दिखाएगा सर? ये सर लोकल एड्रेस जो होता है ना उसके बगल में स्टार्ट। लोकल एड्रेस के बाद है फॉरेन एड्रेस। टून फॉरेन एड्रेस में टून लोकल एड्रेस वाले में ही दिखाएगा MySQL D का जहाँ पे तुम बता रहे थे ना PID। तो लास्ट कॉलम बता रहे होगे तुम। हाँ फर्स्ट कॉलम देखो। फर्स्ट कॉलम में है TCP फिर है लोकल एड्रेस 43529। लोकल एड्रेस में क्या दिखा रहा है? नेट STAT। हाँ लोकल एड्रेस में दिखा रहा है सर। नंबर दिखा रहा है 0.0.0.0.43529। MySQL का दिखा रहा है 3306। ये कमांड है ये पूछे कि तुम्हारे सिस्टम में कौन कौन सा पोर्ट ओपन है यही कमांड चलाओगे ठीक है। ये सब याद रखना है। सांभा का पोर्ट नंबर है सर। सांभा का कहाँ गया? सांभा है क्या इसमें? नहीं SSHD का पोर्ट नंबर है सर 22। ठीक है RP बाइंड का है RPC बाइंड का। इसका क्या है ये तो बता दूँ? इसमें बहुत सारा है 111 SMBD का है NP। मराठी में का पोर्ट क्या बताया था सर आपने? बताया तो था जो MySQL का पोर्ट होता है ना 333306। MySQL का पोर्ट होता है जी MariaDB का होता है। ओके 3306 में ये कमांड है देखने के लिए। देखो कोई पूछे कि सिस्टम में कैसे चेक करें कौन सा पोर्ट हमारा ओपन है तो नेट स्टेट इज द कमांड जो मैंने आगे लिखा है ना TUNLP ये पैरामीटर है सिंटेक्स है। अच्छा दे दोगे तो टाइप आ जाएगा ठीक है। एजेंट यूजर ठीक है। एन एजेंट कुछ होगा नंबर
तो यानी केवल पूरा ना लिख के माइनस टीवी दे दे तभी हो जाएगा। एलपी दे दो, एलपी हाँ आ गया। लेकिन इसमें बहुत कुछ आ रहा है ना, इसमें आई हाँ इसमें बहुत चीज है, दो कॉलम और ऐड होगी, नहीं हर चीज चेंज हो गया इसमें, टाइप स्टेट आई नोड पीआईडी पेस्ट कमांड वही है, ठीक है जो मैंने बताया है। अच्छा मैं जितना चाहता हूँ सबका पोर्ट नंबर जानना चाहता हूँ तो जैसे तुम केवल ये डाल दो नेट स्टेट स्पेस हाइफन टी एल पी, इससे बहुत कम आएगा। हाँ ये तो वही आ रहा है जो शायद स्टार्ट है, एक्टिव है, एक्टिव भी सारे आएंगे, उससे भी एक्टिव नहीं आएंगे, पर इससे बहुत कम आया है। शॉर्टलिस्ट किया है क्या इस पे, लूपअप लगाया है सर? मैं चाह रहा हूँ कि बहुत सारे दिखाए मैंने, हर चीज का, हर चीज का दिखा रहा है जो पोर्ट ओपन है इसमें, नहीं पोर्ट हाँ जिसमें ओपन है, अगर बिना ओपन वाला भी दिखाए, बिना ओपन वाला नहीं दिखाया, नेट स्टेट केवल ओपन वाला ही पोर्ट दिखाएगा, वो तो नेट पे देखना पड़ेगा हमें। क्या पोर्ट नंबर हर चीज का? ईटीसी सर्विसेज होता है ना, ईटीसी के अंदर सर्विसेज नाम का फाइल होता है, खोलो VI करके ना, हाँ ETC स्लैश सर्विसेज CRV हाँ खोल गया सर, सारे नीचे चलते जाओ, देखो कितने पोर्ट है, सारे कौन कौन से पोर्ट है आ रहा इसमें। अच्छा ये पोर्ट नंबर है क्या सर जो 1 2 दिया है? हाँ जी इसी के का यूडी TCP max 1 का है, RJ है, CE ECO का अलग है, पॉप 3 का मैंने लिखवाया था ना 110, नीचे आओ थोड़ा सा, कितने नंबर पोर्ट पे अभी? नंबर नहीं चेक कर रहा हूँ ऐसे जा रहा हूँ। हाँ तो इधर पोर्ट नंबर में दिखा रहा होगा ना स्टार्टिंग, हाँ पॉप 3 है 110, ऐसे नंबर पढ़ते चला जा रहा है ना, पॉप 3 110 है, पॉप 2 109 है, वैसे सीरियल नंबर से ये पोर्ट नंबर होता है जो ईटीसी सर्विसेज में डिपेंड होता है। नंबर कहाँ है दुनिया का है इसमें तो 65,000 पोर्ट होते हैं टोटल, हो गया बस 65,000 याद करना होगा, बोल रहा है बस 65,000 यहाँ से तुम पोर्ट नंबर को देख सकते हो, ठीक है ना। NFS का है 2049, सारा लिखवाऊंगा मैं, टेंशन ना लो, तो मेन मेन वो लिख देंगे ना, हाँ मेन मेन लिखेंगे ना, मतलब कुछ तो हैंड टू माई सिक्योर का हो गया, 65,000 है तेरी याद नहीं था मैं, अगर तुझे याद है तो मेन मेन जो पूछते हैं वो पूछ, तुम्हारी याद है हाँ जी हुआ अपने से दबी दबी में दबा दे FTP का पोर्ट नंबर बताओ, किसका FTP 20 तुम इसमें देख तो रहे थे, तुम्हें पता नहीं याद हो गया 20 FTP 21 FTP FTP 20 data 20 FTP 21 22 SSH, तीन तो ऐसे याद हो गया, क्योंकि FTP के लोग पूछता है, SSH के भी पूछता है। चलो जब ना बाहर आओ उससे मजा, और इसके पोर्ट नंबर को अलाउ करने के लिए फायरवॉल पे करो, क्या करो लिख लो फायरवॉल CMD -permanent -add -SRVICE
सर्विस इक्वल टू कौन सा सर्विस ऐड करना है, कौन सा सर्विस ऐड करना है? ये तो ऐड है सर मेरे में, ठीक है मना हो गया लिख दिया, हो गया तो फिर से जाए। ये तो मिस कंट्रोल चला रहा है, माय कॉन्फिडेंस अंदर कोई दिक्कत नहीं। ये तो हम जान रहे हैं भाई, जी लोग में तीन हैप्पी कब से आने लगा। चला लिया देख लिया, अच्छा लिफ्ट ऑफ पे देख लेना थोड़ा। मैं चलाऊं सर? किस हाँ हाँ लिखो। माय सिक्योर सिक्योर MySQL underscore secure underscore secure हो गया सिक्योर underscore authentication A U T H T H authentication इंटर क्या रहा है? नॉट फाउंड कमांड नॉट फाउंड। ओ भाई टैब नहीं चलाते हो कभी तुम? ओहो मैं बोल दिया वही लिख के टाइप कर दिया, कहीं स्पेलिंग में गलती कर सकते हो ना तुम। माई स्क्वायर अंडरस्कोर सिक्योर इंस्टॉलेशन, हाँ इंस्टॉलेशन सॉरी इंटर करो। आप पूछ रहा है इंटर करंट पासवर्ड फॉर योर रूट, रूट वाला डाल दूं सर? नहीं वो नहीं, माय सिक्वल का रूट का यूजर पूछ रहा है। अच्छा तो ये हम लोग न्यू डाल सकते हैं? यहाँ पे क्या लिख रहा है इंटर फॉर नन, इंटर करेंट पासवर्ड फॉर रूट इंटर फॉर नन, इंटर फॉर नन मतलब हमारे पास कुछ नहीं है तो हम क्या कर देंगे जस्ट इंटर कर देंगे। अच्छा इंटर कर दो, हाँ जस्ट इंटर कर दो, जस्ट इंटर कर दो। पूछ रहा है सेट रूट पासवर्ड वाई और एन, हाँ सेट पासवर्ड में वाई कर दो, वाई कर दिया सर। पूछ रहा है न्यू पासवर्ड, सेट पासवर्ड में वाई करो ठीक है, हाँ न्यू पासवर्ड डालो एक दो तीन चार, वही डालना जो याद रहे, एक दो तीन चार हमेशा के लिए, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, बाद में याद रखना पड़ेगा। हाँ पूछ रहा है रिमूव एनी एनिमस यूजर, हाँ हाँ रिमूव एनिमस यूजर, रिमूव एनोनिमस, हाँ एनोनिमस निमस यूजर, ये तो रिमूव करना होगा। रिमूव एनोनिमस यूजर का मतलब ये होता है जिसमें बहुत सारा अनवांटेड यूजर भी बना होता है, ओके जो बाहर से कहीं से भी एक्सेस हो जाएगा विदाउट पासवर्ड। हाँ हम यहाँ पे कर देंगे यस वाई कर दिया। अब लिखा है डिस अलाउ रूट लॉगिन रिमोटली वाई और एन, वाई करो सर एक मिनट। यहाँ पे रिमोट लॉगिन का मतलब ये कर रहा है कि रूट यूजर को तुम चाह रहे हो कि यहाँ से भी एक्सेस हो जाए तो यस कर दोगे, यहाँ से भी एक्सेस हो जाए अदरवाइज नहीं होगा, वाई कर दो। ये डिपेंड करता है तुम्हारी पॉलिसी के ऊपर, हाँ तुम देना चाह रहे हो नहीं देना चाह रहे हो, कंपनी की पॉलिसी क्या है ना, तो वाई कर दो और
remove test database and access to it. Y or N? Y करूँगा ना सर? Test database. देखो इसमें ना default database बना रहता है. हाँ हाँ. तो कर दो. नहीं इसमें मत करो. इसमें test कर लेगा. N कर दोगे तो delete कर दे. ठीक है? Y कर दूँगा तो. हाँ Y कर दो. Y करूँगा तो कर देगा सर. हाँ? Remove कर देगा. अच्छा no कर दो. नो कर दिया सर. अब लिखा है रीलोड प्रिविलेज टेबल्स ना. वाई कर दो ना. हाँ हो गया सर. थैंक यू फॉर यूजिंग मारिया डीबी. प्रिविलेज का स्पेलिंग क्या देखना जरा था. PRE एक मिनट कहाँ आ गया. PRI PRIVILEGE 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 privilege. What call of the privilege sir? Privilege use आप भी बहुत ज़्यादा करते हैं तो हम लोग actual में privilege को क्या कहना चाहते हैं. प्रिविलेज का मतलब ये हो गया कि आपने जो भी किसी को परमिशन हटाया लगाया डिलीट किया. परमिशन हटाना हटाना या लगाना परमिशन में कुछ भी चेंजेस करना वो प्रिविलेज कहलाता है. अच्छा कोई भी इम्प्लीमेंट हटाना हो या घटाना हो या जोड़ना हो जो भी हो परमिशन परमिशन उसको प्रिविलेज कॉल प्रिविलेज कहते हैं. हो गया सर बन गया. अब कमांड डालो. हो गया जी कर तो दिया यार. यही बना रहे हो ना. ये देखना है सारा कुछ यही तो है. हाँ बना रहा हूँ. अरे भाई रिमूव था टेस्ट डेटाबेस नहीं रिमूव करना था. हमको भाई कर दो तो डिलीट सिंपल समझ में आ रहा है ना. टेस्ट डेटाबेस है उसको तुम चाहते हो डिलीट करना. अगर तुम प्रोडक्शन पे काम कर रहे हो MySQL प्रॉम्प्ट पे हैश पे. अब MySQL पे जाऊं. अब सिर्फ MySQL लिखोगे तो नहीं जाएगा. MySQL एक मिनट कौन सा कमांड था जिससे MySQL प्रॉम्प्ट हो गए थे सर. MySQL था. अच्छा हाँ हाँ एक्सेस डिनाइड. ओहो मैं इसके अंदर हूँ. सॉरी सर. वहीं पे भी मुझसे क्या दिक्कत है. तो क्यों नहीं किया. चलाना चला मान सकता. MySQL एक्सेस डिनाइड फॉर क्योंकि पायलट पासवर्ड रीसेट नहीं किया. अच्छा इसीलिए प्रॉम्प्ट पे चला गया था. अब नहीं जाने देगा. अब यहाँ पे पासवर्ड के साथ डालना पड़ेगा. अब देखो यहाँ पे कमांड MySQL स्पेस हाइफन यू यूजर हाँ रूट ROOT रूट स्पेस हाइपन पी यहाँ दो दो बार दिया जा रहा है. वो कहाँ दो बार दिया है. एक बार है नहीं. हाइपन यू हाइपन पी क्या बोला मैंने. MySQL स्पेस हाइपन यू स्पेस रूट हाइपन स्पेस हाइपन पी. हाँ वहीं तो दिया हूँ मैं. पासवर्ड मांग रहा हूँ. डालो पासवर्ड. आ गए. अब यह पासवर्ड मांगेगा. पासवर्ड डाल के तुम लॉगिन कर लोगे. वही पासवर्ड दोगे जो वहाँ पर सेट. मैं एक चीज़ यही पूछना चाह रहा हूँ सर. जैसे ऑप्शन में हम हाइपन यू यूज किए हैं. यू ऑप्शन में कहाँ किए हैं. MySQL के बाद जो यूज हाँ वो ऑप्शन ही तो होता है. उसके बाद भी फिर हाइपन पी लगा रहे हैं. प्रॉम्प्ट के लिए. अच्छा प्रॉम्प्ट के लिए ताकि प्रॉम्प्ट आया पासवर्ड डालने के लिए. ठीक है. अगर पासवर्ड नहीं डालना चाह रहे हो ना तो हाइपन पी के बगल में ही डबल कोट्स में पासवर्ड डाल दो. यहाँ पे रीड करो. ओहो ये सही है. डबल कोट लिया हम लोग. हाइपन पी के जस्ट बराबर में ही स्पेस मत देना. ओहो रुक जाइए सर बाहर आ रहा है. Thank you.
एक दो तीन चार फिर भी पासवर्ड मांग रहा डबल कोट्स में डाल दिए वो हाँ हाँ सर डबल कोट्स स्पेस नहीं रहेगा नहीं ओके सर लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं डालना चाहिए कम से तुम्हारा सिस्टम कोई एक्सेस हाँ तो हिस्ट्री से देख लेगा ना पासवर्ड क्या है क्या डाला है ये तब यूज किया जाता है बैकअप के लिए कैसे क्योंकि बैकअप तो आप क्रॉन क्रॉन के थ्रू सेट करोगे है ना क्रॉन के थ्रू सेट करोगे तो वहाँ पे पढ़े हो ना MySQL बताओ MariaDB कमांड को होते थे ना नहीं देता नहीं देता एक ही बात है लिख चुका है तू यार फिर दोबारा क्यों लिख रहा है देखो 54 टाइम निकल नहीं रहा तो हमें के लिए तो घूमने चले गए सारे पेपर लैपटॉप ले चलेंगे तो तड़ाक मार दे बैचलर पार्टी करते आइसक्रीम गंगा जी में फेंक देंगे फिर इसे उठा के फिर से चलाना है क्या सर सो डेटाबेस डेटाबेस देखने की होता है कमांड के बारे में नहीं तो ये तो वो है ना प्रॉम्प्ट पे लिखूं मैं सो डेटाबेस सो डेटाबेस के बाद कॉमा है क्या सर कोमा दिया तो एरर 264 दिखा दिया अरे ये वाला कोमा दो डॉट नीचे दो डॉट होता है एक डॉट डॉट एक डॉट ऐसे कोमा होता है वैसे वाला तो हाँ तो वैसे वाला में सर एरर 264 आया था कुछ यही है ना ये तुमने गलत दिया ये तुमने कोलन दिया है ऐसे वाला दो ये वाला ये वाला देना था ना नहीं नहीं ये वाला नहीं देना एक बिंदु और कहाँ रखे हो दिखो मेरे ये तो दिया भाई ये नहीं दिया हूँ क्या हाँ सही तो है सही है भाई सही ये नहीं दिया हूँ ये वाला सर सही तो दिया ये सो डेटाबेस डेटाबेसेस होता है बेसिस है कंट्रोल्स डेटा ठीक है इंफॉर्मेशन स्कीम
MySQL परफॉर्मेंस क्यों और टेस्ट अब क्रिएट करने सर इसी पे क्रिएट डेटाबेस करने के लिए क्रिएट डेटाबेस इन्वेंटरी ठीक है क्रिएट डेटाबेस इन्वेंटरी कहाँ से इन्वेंटरी का क्या काम है इन्वेंटरी कहाँ से आ जाता है इसमें डेटाबेस हम बना रहे हैं यार इन्वेंटरी नाम से हाँ इन्वेंटरी वन रो इफेक्टेड 0.00 टाइम दिखाता है कितना सेकंड में एग्जीक्यूट हुआ कमांड ये ठीक है तो अब जाओ यूज इन्वेंटरी यहाँ पे करो 100 टेबल्स वही कमा लगाओ हर कमांड के अंदर वही कमा चलेगा एमपीटी एमपीटी है क्योंकि न्यू डेटाबेस है इसके अंदर कोई टेबल नहीं है नहीं बनाया अभी जब तुमने 100 डेटाबेस किया था तो वहाँ पे एक माई सीक्वल भी होगा है हाँ है है ना हाँ है हाँ है तो जाओ यूज माई सीक्वल करो यूज माई सीक्वल अब वहाँ पे टेबल चला सो टेबल हाँ सो टेबल्स टू एलियस तो बहुत सारा खुल गया इतने सारे टेबल हैं ठीक है सर तो सिस्टम जनरेटिंग है ना सिस्टम जनरेटिंग खुद से बनाना पड़ेगा ना टेबल हाँ खुद से क्रिएट करना पड़ेगा ना टेबल हाँ टेबल क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे वो हैं जो सारे इसके अंदर ये इस सिस्टम के हैं सारे ठीक है सारे इम्पोर्टेंट टेबल हैं कोई इसमें तुम डिलीट नहीं कर सकते डिलीट करोगे तो तुम्हारा MySQL चलना बंद हो जाएगा अगर एक्स्ट्रा जोड़ना हो तो नहीं न्यू डेटाबेस जो तुमने बनाया था ना वो डेटाबेस है आप देखो अब कितने टेबल्स हैं ठीक है ना अब किसी टेबल में क्या डेटा है कैसे देखोगे उसके लिए होता है कमांड डिस्क्राइब DESCRIBE डिस्क्राइब यहाँ आ रहा है डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन टैब मार रहे हो क्या तुम डी ई एस सी आर आई सी आर आई बी ई बी ई स्पेस बी फॉर बॉम्बे हाँ बी ई स्पेस कोई भी जो टेबल्स वहाँ लिस्ट दिया है ना एक टेबल्स का नाम दे दो इवेंट कर दो कॉमा लगा देना दिखा दिया इसको शॉर्ट कोड में डी अच्छा किसी भी चीज को डिस्क्राइब किसी भी टेबल को हम देख सकते हैं इससे शॉर्ट कोड में डीएससी भी लिखोगे तो कर देगा इंडिया कमांड ये तो सर मैं चाह रहा हूँ कोई टेबल बनाने के लिए शॉर्ट कोड में क्या डालेंगे सर डीएससी डिसेंडिंग के लिए होता है ना डीएससी DESC और इसमें क्रिएट कैसे करेंगे सर टेबल बताओ भाई क्रिएट पढ़े ना इसी को हाँ बताओ कैसे क्रिएट करेंगे डेटाबेस सिलेक्ट हो जिसमें तुम बना रहे हो इसमें मत बनाना वो यूज इन्वेंटरी कर लेना बनाए थे ना जो कर लिया यूज इन्वेंटरी भाई सर यूज इन्वेंटरी यहाँ पे और कोई नाम नहीं है सर क्रिएट हाँ तुम कुछ भी बना लो यार मैं तो नया क्रिएट बना रहा हूँ ना क्रिएट सीरीज में क्रिएट 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 टेबल टेबल का नाम क्रिएट टेबल
कोई भी टेबल बना दो सर, किसी नाम से बन जाएगा सर। वीकर टेबल, टेबल तो दो, टेबल का नाम टेबल क्रिएट टेबल वीकर इन्वेंटरी है किसके टेबल या टेबल्स नहीं टेबल स्टोन टेबल हाँ स्पेस दे हाँ हाँ नाइन पर इंटर मारो हाँ क्या डालना है इसमें नेम डेटाबेस चेंज दिखा रहा है लोकेशन भाई अब तुम उसके अंदर में आ गए हो इन्वेंटरी क्रिएट हो रहा है वीकर इन्वेंटरी इन्वेंटरी में क्या क्या होगा वो तो लिखोगे ना टेबल के अंदर हो मैं पढ़ा नहीं हूँ अब तू का मार रहा हूँ हाँ तो कैसे होगा मुझे नहीं पता बताओगे सर टेबल कुछ तो बनाएंगे ना किसी भी चीज़ का टेबल इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री लाइक इंट्री होता है अगर हम टैली में इन्वेंट्री करें या किसी चीज़ में इन्वेंट्री करते हैं तो एक पैरामीटर उसका तय करते हैं कि हाँ इसका इन्वेंट्री इसमें इसका इन्वेंट्री इसमें जी साहब जी जाता है हाँ तो वहीं सर कर रहा हूँ मैं इसमें किया नेम पहले डाला प्रोडक्ट नेम डाल सकता हूँ कुछ भी डाल सकता हूँ सर अगर नहीं आता है मैं अब बताओगे तभी तो करूँगा मुझे नहीं पता क्रिएट टेबल इन्वेंटरी कर दिया हूँ वीकर इन्वेंटरी लिखो हाँ क्रिएट टेबल ठीक है हाँ टेबल का नेम टेबल का नाम लिख दिया तुमने हाँ, हाँ अंदर आ गए हम अंदर नहीं जाना है उसको हाँ कमांड चलाओ कमांड बताइए बाहर बाहर क्या इसी पे तो कमांड चलेगा वीकर इन्वेंटरी नाम देकर इंटर करना है ना सर इतना बड़ा कमांड है लिखो इधर क्रिएट टेबल टेबल का नाम दो नाम दे दिया अरे ये कंट्रोल इसको करो वो करो ऐसे करके बाहर आओ नहीं ऐसे करके बाहर आ जाओ कॉलन नहीं लगाओ हटना भाई कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ नहीं वही जो कोमा लगाते हो इसके लिए कोमा लगा दूँ ना हाँ बारह मिनट मारो ये चला क्रिएट टेबल हाँ या पढ़ो दिखा जो हाँ क्रिएट टेबल टेबल का नाम ये दो प्रोडक्ट अंडरस्कोर टेबल प्रोडक्ट प्रोडक्ट ये रहा है ना कमांड लिखो नहीं दिख रहा प्रोडक्ट अंडरस्कोर चश्मा तो भाई टी ए बी एल टेबल नहीं सर अब देख के याद आएगा टी बी एल अच्छा भूल गया था प्रोडक्ट तुम स्पेलिंग भी बहुत गलती करते हो टी बी एल प्रोडक्ट प्रोडक्ट है तो इसमें प्रोडक्ट लगाइए चाहे एस लगाइए फिर आगे और भी चलाना होगा ना सर हो गया सर प्रोडक्ट टेबल ब्रैकेट दीजिए विदाउट स्पेस ब्रैकेट बंद नहीं करना है ओपन करना है इससे ओपन ही होता है कहाँ गए मेरे स्पेस देना चला गया कोमा में क्या इनिशिएशन कर दे ना ना रीस्टार्ट होता है ना सर इसमें कहाँ रीस्टार्ट डुप्लीकेट करो फिर सारा कमांड नेट नहीं चल रहा क्या कूलर रख दिया एस यू टी करो इसका एक फॉर्मेट बन रहा Thank you.
अच्छा यूज डेटाबेस में जाना पड़ेगा, यूज इन्वेंट्री वाला लेना होगा ना। चलो यहाँ पे क्रिएट टेबल कर लेता, टेबल काम करो। रुको, तुम्हारे पास स्काइप है, चल रहा स्काइप तुम्हारा? एक टेबल बनाने के लिए इतना बड़ा है? अरे इसको बनाना पड़ेगा ना सब फॉर्मेट, किसमें इंटीजर वैल्यू जाएगी, किसी में वर्कर वैल्यू जाएगी, वो सारे अलग अलग कॉलम बनेंगे ना उसके हिसाब से डेटा बेस बनाने के लिए डेटा मैनेजर। नहीं है ना, पूरा एक बार उठा कर पूरा पेस्ट करो। क्या रखे हुए लैपटॉप तुमने? ये लैपटॉप में प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा स्काइप इसमें चलता नहीं, दो कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहे तुम्हें खुद का लैपटॉप सीखे सर। ये कि ये होता है तुम कर रहे हो ये? हाँ। क्या तब इतने दिन से लैपटॉप चला रहे हो तुम? मुझे इससे माउस लगा कर आप तुम क्या करोगे, यहाँ पे जाके सेम वही कमांड को यहाँ पे पेस्ट करोगे, पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करने के लिए क्या किया आपने? ये राइट क्लिक कर दो, शिफ्ट से कर दो, ठीक है, इंसर्ट बटन दबा, शिफ्ट इंसर्ट भी कर दो, इससे भी कर दो, ठीक है, शॉर्टकट की लिखाई डाल दो सर। हां वीआई में करोगे तो ये नहीं काम करेगा, नहीं करता भाई, मैं वीआई में किया था नहीं कर रहा था। तो बस अब यहाँ पे आ गया ये ऐसे ही। अब आप इसको क्या है, एरर प्रोडक्ट वर्कर 100 नॉट नल एज इट लाइन 2 एरर दे रहे हैं। इस 100 को हटा दीजिए सर। नहीं लेना तो चाहिए, ले लिया, और शो करके देख सकते हैं, नहीं लिया। बिना सिर्फ को दीजिए ना, क्या दे रहा है इसका? तो बन गया था, ये MySQL जो पढ़ते हैं ना उनका ये टॉपिक है, समझ गए? तुम बस सिंपल ये जाना, तुम्हें कोई कहेगा नहीं कि टेबल बनाओ ये करो वो करो, ये एडिशनल चीज़ें हैं जानो तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। उसमें भी एक लाइन ऐड हुआ था, इसमें 3 लाइन ऐड हुआ है। नहीं सर, इन्वेंट्री से बाहर आके देखेंगे। तो रुको रुको, हमें लग रहा है ना ये कहीं कॉपी पेस्ट में गलत हो रहा है।
इसके लिए एडी प्लस सही काम करता है। इसका हट गया क्या? में नहीं ये सब आ जा रहा है फालतू की चीजें ऐड स्काइप पे भेजने पे ये सब आ जा रहा है नीचे स्पेस की वजह से तो ये प्रॉब्लमेटिक है। इसी को मैंने नोटपैड में सब हटा के केवल कोमा लगा दिया, कोमा कोमा के साथ जो जो सारे तो सारे कोमा तो, कोमा के साथ ही है। ठीक है तो बन जाएगा, बन गया जी। ठीक है नहीं ये तो सर आपने सिस्टम से देख के बना दिया, ये तो चाहे तो हम भी बना सकते हैं। तुम भी बना लो। हाँ इसमें अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट्स आपने डाला है प्रोडक्ट्स टेबल। टाइम बचाने के लिए किया। हाँ अगर इसको लाइट में देखना चाहे तो प्रोडक्ट्स आएगा ना? आएगा क्यों नहीं आएगा, अब इसमें तो इसको डिस्क्राइब कर लो। चार फील्ड बन गए हैं इसमें एंट्री करनी होती है सर, आईवेंटी के कमांड भी है। पकड़ना इसको आज का यही पढ़ाई है ना, हम लोग टॉपिक से अलग नहीं है ना? नहीं तुम्हारा अब इसमें कैसे देखोगे? सुला लूंगा अब आ गया बनाने, ये अपने ऊपर है। पर सर एरर जो आ रहा था ना उसमें बता रहा था डबल कोट को, और इंसर्ट कर लो डेटा, इसमें नाम चेंज कर दो, इसे दो कर दो, इसे कुछ और कर दो, एक को दो कर दो। हाँ जी देख लो, एक को दो कर दो। हाँ जी अपने अपने इसे मन्नत कर दो। नाम चेंज करके दूसरा इंसर्ट कर लो फील्ड। बस छोड़ो भाई एंटर मार दो ना। नहीं भाई हीरो दिख गया, अब हम इसे किस कमांड से किए? देखो इस कमांड से इंसर्ट करते हैं टेबल के अंदर, ठीक है ना? इस कमांड से इंसर्ट इनटू जो होता है, तुमसे कोई पूछे कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं तो क्रिएट टेबल होता है, ठीक है ना?
उसके अंदर डेटा डालने के लिए कमांड होता है इंसर्ट इन टू, ये वाली वाली इंसर्ट इन टू। फिर चारों फील्ड का पहले नाम दे दिया, इसके फील्ड में क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए वो आगे डिफाइन कर दिया। ठीक है, डर चुका है ना, अब सुबह कर दो ना स्टार वाली कमांड। हाँ ये वाला ना एंटर मार दो। फिर वे टेबल फिर वो दोगे तुम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वो टेबल का नाम, जैसे आ गया ना सर प्रोडक्ट नेम मोबाइल बाइक एप्पल कंपनी मोटो बाइक। उन लोग को दिखाओ ना, आज क्या हो गया सिलेबस से, क्या और भी है इसमें और भी है ठीक है। नहीं सुनो, अब जैसे तुम्हारा ये तुम्हारा इसके लिए था ठीक है ना, इंसर्ट के लिए था ठीक है। अब हमने मान के चलो अब वहाँ पे यहाँ पे कुछ अपडेट करना है ठीक है, जैसे मान के चलो कि हमने कमांड चला देना है अपडेट इनटू। अब मान के चलो सबमिशन डेट जो था ना ये 2007 है ठीक है ना, इसको हमें चेंज करना है अपडेट इनटू, नहीं होता यार अपडेट फ्रॉम होता है ना सर। चला कर देख रहा हूँ सर, डेवलपर वाला का काम है बना है लेकिन डिलीट हुआ। अपडेट वो होता है, क्या होता सर अपडेट, ऐसे नहीं चलेगा अपडेट, नहीं चल रहा सर। ना तो तुम दो अपडेट टेबल का नाम इनटू हटा दो, हाँ टेबल का नाम हो गया स्पेस सेट एसीटी सेट, हाँ सेट का नाम टेबल का नाम, टेबल के नाम के बाद टेबल के नाम के बाद ए सी टी सेट सेट में तुम काम कर दो सबमिशन सबमिशन डेट सबमिशन सबमिशन डेट तो है ही है, नहीं हटाना पड़ेगा ना तुम्हें पूरा ही काम नाम पूरा सब पूरा हटाओ ना, ये पूरा हटाना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा किसी पर्टिकुलर फील्ड में अपडेट कर लिए, हाँ अगर मैं चाहूँ सब में अपडेट थोड़ा कर दूँ फिर मिटाओ तो पूरा सेट ही हटा दिया, पूरा डिलीट करो ये सबमिशन तक तो रुकना है, नहीं पूरे हटा दो पूरा सभी। चलो ये रहने दो, सबमिशन डेट इक्वल टू इक्वल टू है, हाँ इक्वल टू इक्वल टू। अब इसको डेट को कॉपी करके पेस्ट करो इक्वल टू ब्रैकेट स्पेस नहीं एक साथ ही ले लगा सर। चलो इस डेट को दो पूरा मिटा पहले, अच्छा सब हटा दो वैल्यू भी हटा दो सब हटा दो सब हटा पूरा हटा दो कुछ ना चाहिए बस ये डेट रहने देना और इस बोल दो यही है ना, एक और डिलीट मारो डिलीट और मारो 2008 तारीख है ना, हाँ 8 तारीख की रहने ठीक है इंटर जरूर नहीं। लिखो वेयर नहीं ये कोमा के पहले लिखो वेयर स्पेस के साथ ब्रैकेट हटा दो ब्रैकेट हटा दो ब्रैकेट हटाओ स्पेस वेयर वेयर आई डी इक्वल टू आई डी इक्वल टू आई डी इक्वल टू किस फील्ड में चेंज करना चाहते हैं इसमें किस में सबमिशन में दो फील्ड है ना एक ये फील्ड है एक ये वन कॉलन है वन में कर तो वन में कर दो तू बस इंटर मारो ओहो समझ गया एरर है सर वेयर प्रोडक्ट नहीं नहीं इसका एरर है
इसमें ये नहीं लगेगा भाई, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा इसमें, देखो लगेगा ऐसे लगेगा। अपडेट प्रोडक्ट टेबल नेम सेट सबमिशन डेट इक्वल टू सही तो है सर कमांड तो सही वेयर प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी लिखो ना, सुनो तो सही गलत है सर। हां वेयर लिखो यहां पे, ये मिटाओ इसको, लिखो प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, ये हेडर, ये वाला हेडर नेम कॉपी कर लिखो प्रोडक्ट अंडरस्कोर, हां प्रोडक्ट लिंक है भाई, कॉपी पेस्ट करो वहां पे डालो और उसको मिटाओ आईडी को, तो हटा दूंगा वेयर प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी राइट इज इक्वल टू बस एंटर मार हो गया। स्टार वाली कमांड चलाओ, स्टार सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है ना सही हो गए चेंज आठ ठीक, मतलब इस वाले लाइन में हमने ये डेट चेंज करना था ठीक है। कमांड क्या चलाया हमने, अपडेट टेबल का नाम ठीक है, सेट सबमिशन डेट क्या चेंज करना भैया, इसको इस फील्ड में चेंज करना है ठीक है। कौन से लाइन का, वेयर किस क्लाउज को उठाएगा वो, वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू वन, यहाँ ये भी दे सकते हो वेयर प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू मोबाइल, मतलब कुछ भी इंडिकेशन दे सकते हैं, कुछ क्लाउज दे हुए ना उसको, यूनिक वैल्यू देनी पड़ेगी। हाँ अगर एक होगा तो एक डाल सकते हो, एक ही दो सही है, प्रोडक्ट आईडी सही है। हाँ क्योंकि प्रोडक्ट आईडी सबका यूनिक होगा, हाँ इंटीजर में होता है, यूनिक होता है, यूनिक होता है। सर इंटीजर डबल कोट को बोलते हैं या सिंगल को बोलते हैं, क्या इंटीजर का मतलब एक दो तीन यार, न्यूमेरिक वैल्यू, एक स्ट्रीम, हाँ स्ट्रीम बोलते हैं। देखो जो इंटीजर होता है ना, सुनो जो इंटीजर वैल्यू होगा, जो यहाँ पे आई एन टी दिखा रहा था ना, सेलेक्ट डिस्क्राइब जब कर रहे थे तुम, देखो ये अगर आई एन टी लिखा है इसका मतलब इसमें वैल्यू क्या जाएगा, एक दो तीन में जाएगा। सुन लो ये, अगर यहाँ पे आई एन टी लिखा है इसका मतलब ये वैल्यू क्या जाएगा, एक दो तीन में जाएगा। मैक्सिमम कितना जाएगा, 11 नंबर तक हो सकता है, 11 से ज्यादा होगा तो वो नहीं लेगा, क्योंकि हमने 11 लिया है ठीक है। वायरकर, वायरकर का मतलब होता है नाम, तो नाम कितने करेक्टर का हो सकता है, मैक्सिमम 100 करेक्टर का। उस तीसरे फील्ड में हमने वर्क जो ले रखा है वायरकर, इसमें भी नाम होगा लेकिन उसका भी कितना होगा, मैक्सिमम लेंथ 40 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। और सबमिशन डेट, यहाँ पे जब भी होगा तो डेट ही फील्ड हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। और सर ये वैल्यू तो ना वो जो ये 100 दे रहे, तो ये हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं। हाँ डिसाइड कर सकते हो। अच्छा वही तो स्टार्टिंग में जो 50 के एरर आया था, इसलिए टेबल बनाने से पहले सोच लिया जाता है कितना कैरेक्टर तक हमें कितना हो सकता है मैक्सिमम। तूने क्या बोलता है इंटीजर के अलावा, इंटीजर होता है ये जो कोट वोट देते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेयर कैर होता है, कैर होता है, क्या बोलते हैं, स्ट्रीन, हाँ फ्लोट होता है। आप इसको फील्ड को डिलीट करना है तो लिख लो, लिखो डिलीट फ्रॉम कौन से फील्ड का, डिलीट फ्रॉम DELETE डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम विदाउट स्पेस, टेबल का नाम ये प्रोडक्ट अंडरस्कोर टेबल, ये वाला नाम कोई भी, अरे भाई टेबल का नाम ये, अच्छा अच्छा पूरा टेबल ही हटाना है, नहीं टेबल नहीं हटाना, टेबल में से कोई फील्ड हटाना है, कोमा को हटाओ ना, हटा दिया, फ्रॉम फ्रॉम नहीं ये हो गया ना, डिलीट वेयर वेयर प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, ये कॉपी पेस्ट कर दो प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू टू, अब कॉलन लगा दो, पूरे को हटाना है क्या हम लोगों को, पूरा टेबल डिलीट करना है, शो करके देख लो, डिलीट वही नहीं गलत कर रहे हैं ना,
स्पेस ज़्यादा आएगा सर यहाँ पे, कम करो। अरे अरे ये क्रोम करो ना, क्रोम करो। अरे यार ये स्पेलिंग गलत लिखता है ना, अब आदमी यहाँ तक ध्यान ही नहीं देता कि कोई ऐसा क्रोम भी गलत लिख सकता है क्या। ऐसा उंगली जहाँ जाता है वहाँ लिखा जाता है। हो गया हो गया, सो करके देख लो स्टार अल्टे पे चला गया। अब लगाओ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक सेकंड कमांड तो खत्म हो गया है। दूसरा फील्ड डिलीट कर दिया, पहला फील्ड रह गया। तुमने क्या दिया सेलेक्ट, ये डिलीट फ्रॉम, कुछ नहीं है सर, बस डिलीट है, सेट में सेट करने के लिए हो जा रहा है। फिर प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू पूरा सब टेबल लग रहा है, हो गया हटा के ही मानोगे। ब्रैकेट कर दो ना सर, से ब्रैकेट, ब्रैकेट से तो इम्पिटी हो जाएगा पूरा, हट टेबल ब्लैंक का नहीं ले, टेबल ब्लैंक, टेबल ब्लैंक है, टेबल डिलीट है, दो होते हैं ना, एक डेटा डिलीट होता है, फॉर्मेट रह जाता है। ब्रैकेट करना बताना, खत्म कर दिए, लिख दो ब्रैकेट, टेबल नेम दे दो, ब्रैकेट टी आर यू एन सी ई टी, टी आर यू यू एन सी ए टी, टाइप चल रहा है नहीं, सी ए टी टी आर यू एन सी ए टी ई ट्रंकेट स्पेस, उस टेबल का नाम दो प्रोडक्ट अंडरस्कोर टेबल, आईडी है प्रोडक्ट अंडरस्कोर टेबल, एंटर मोकल बस टेबल का स्पेलिंग भी सही लिखो यार, एक ही चीज को तुम बार बार चला रहे हो फिर भी वही गलती कर रहे हो। तो है ना टी, तुम क्या लिखे हो टेबल टीवीएल, ऐसे कैसे लाइफ में तुम करो गलती, चलो चलाओ इंटर। हाँ अभी टेबल क्या हो गया, सारा डेटा एमपीटी हो गया, ऊपर वाला कमांड चलाओ, टेबल क्या हो गया ये ब्लैंक हो गया, टेबल है नहीं, टेबल में फील्ड है लेकिन वो टेबल में जो डेटा था वो डेटा डिलीट हो गया। फील्ड कैसे देखेंगे, डी एस सी में बताया नहीं कितने बार बता रहा हूँ ना, डिस्क्राइब करके टेबल है लेकिन टेबल से डेटा उड़ गया। अब टेबल तुम ड्रॉप करने की बात कर रहे हो तो लिखो ड्रॉप रिमूव, ड्रॉप, हाँ टेबल ही ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप डी आर ओ पी ड्रॉप स्पेस टेबल, टेबल स्पेस टेबल का नाम कौन सा टेबल, पूरा ले लो ये वाला, ये प्रोडक्ट टेबल, हाँ ये वाला, एंटर मारो, एंटर हो गया, टेबल ड्रॉप हो गया, पुश ड्रॉप मतलब बिल्कुल हट गया है, हाँ टेबल हट गया, डेट फायर थी भाई वो खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा, जब तुमने पूरी मेहनत करी थी ना उसको सब तो पानी कर, कोई नहीं सब आ जाएगा, नहीं जानता इंसान तक क्रिएट करेगा टेबल, कोई बड़ी बात नहीं है, चलो 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 आगे चलो आगे चलो। टेबल नहीं जानते थे तो थोड़ा बड़ा चीज था, अब आ जाएगा, मैं MySQL पढ़ा ही नहीं हूँ तो मैं क्या जानता, सब भूल गए हैं पता है, अमरनाथ देखते हुए ध्यान आ जा, क्या अमरनाथ देखते हुए ध्यान आ जाता है, चलाओ हम भाई क्या के लिए क्या लिखे हैं, क्रिएट यूजर अमर, हाँ इसका नाम नहीं है वो, अच्छा समझ गया, आई डायरेक्ट क्या है लोकल होस्ट, हाँ लोकल होस्ट देख कुछ गलत नहीं है ना, पता चला सर गलत लिख दिया था ना, हाँ गलत था ही भाई, कोमा लगा, बोला को
सेमी कॉलन इंटर कर दो आइडेंटिफाइड बाय दैट हां एंटर मार दो हो गया आइडेंटिफाइड हो गया उसके बाद यूज MySQL MySQL में तो है फिर से करना देख क्या है शुक्रिया मन से करना हां इंटर नहीं वो लगाओ वही हां इधर मैं कहता हूं वही तो लगा देगा MySQL में आ गया और क्या लिखा सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट स्पेस होस्ट स्पेस यूजर स्पेस नहीं कॉमा है भाई वो सॉरी हां बहुत अच्छा बाद में बोलना जो तुम गलत लिख दिए PASSWORD हो गया जी बना कि नहीं बना ये बताओ बनने वाला सर भाई से देगा बहुत गलत दिखता हूँ ना सर बहुत गलत अरे सर इस पे उंगली नहीं सही चलता है क्या करूँगा अभी F वो डाल रहा हूँ कुछ और आ रहा है तुम्हारा लैपटॉप तो उधर उंगली नहीं चल अरे सर ये वो है उम्र क्या है विवेक क्या है तो समझ में आ रहा है थोड़ा इन लोग से भी तो करा के देखिए पता चलेगा जी क्या सही लिखा तो अमरनाथ की जी कर रहे हो नहीं सबका कर रहा कहने का मतलब ये इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली तेरा भी किया मैंने वाह अमर मेरे से ना तू भाई सही अब बता कहाँ गलती है हाँ वही लगा दो हाँ हाँ हो गया सर हो गया मतलब हमने एक यूजर बनाया ठीक है अगर कोई भी हम यूजर बनाते हैं क्या हुआ लोकल होस्ट खुद भी खुद दिखा रहा है यहाँ पे सर जो इसमें पासवर्ड आया लोकल होस्ट में खुद भी खुद ही अजीब सा दिखा रहा है एक नंबर पासवर्ड की जगह पे नीचे बहुत बड़ा में दिखा रहा है ना हाँ हाँ वो उसको क्या करता है वो इनक्रिप्ट कर देता है वो बड़े लेटर में तो पासवर्ड हम डाले नहीं थे इनक्रिप्ट ट्रांसफर कर दिया रेडिट नहीं डाले हो आइडेंटिफाइड भाई अच्छा वो जो रेडिट डाले हैं वो पासवर्ड ही है वो जैसे हमने एक यूजर बनाया आइडेंटिफाइड भाई वो पासवर्ड है रेड हैट ओके फिर MySQL में चले गए फिर MySQL में जाकर हम यूज किए अमर को राइट देखने के लिए अगर हम हमें अमर के अंदर जाना है तो अमर के अंदर क्यों जाना यार अमर एक यूजर है डेटाबेस में एक यूजर क्रिएट कर रहे हैं बस हम यहाँ पे क्या किया हमने एक तो नॉर्मल हमारा रूट यूजर था जो सब सुपर एडमिन है हमने यूजर बनाया अमर उसको पासवर्ड रखा रेड हेड अंकिती के बगल में पासवर्ड दे दो रेड हेड हाँ नहीं जा रहा सिंगल कोट्स में नहीं डबल में आपने डलवाया था डबल कोट में डाल दो पासवर्ड ये डाला था यही पासवर्ड ये तो लॉगिन हो जा रहा पर ये नहीं हो रहा RETHT यही है ना डबल कोट बंद आगे तो पर यहाँ नॉन क्यों दिखा रहा है कोई डेटाबेस सेलेक्ट नहीं है यार है डेटाबेस सेलेक्ट नहीं कर दिया क्या मुझे लगा जो अमर आएगा लिख के देखो इसमें क्या है कि हमने लास्ट वाला लिखा क्या है कि ऊपर में यहाँ पे काम करो डेटाबेस ये डेटाबेस इन्वेंटरी किया था मैं ठीक है हाँ अब मैं क्या किया कि इस डेटाबेस पे ग्रांट सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट ऑन इन्वेंटरी डॉट स्टार मतलब इन्वेंटरी इस डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स बनेंगे हमने अमर एड्रेस लोकल होस्ट को परमिशन दे दिया कि वो सेलेक्ट भी कर सकता है इंसर्ट भी कर सकता है और इसके अंदर अपडेट भी कर सकता है क्या नहीं कर सकता अरे भाई तुम ग्रांट का क्या नाम है ग्रांट को सर एक्सेस डिनाई बोल रहा है क्या एक्सेस डिनाई बोल रहा है इसके लिए मैंने क्रिएट डेटाबेस इन्वेंटरी किया तो
डेटाबेस ऑलरेडी इन्वेंटरी नहीं, आपने आपने ये बोला ना कि अमर क्या, सुनो अभी हम रूट यूजर से सारा काम कर रहे हैं। नहीं मैं तो अमर अमर के अंदर अमर को परमिशन थोड़ी ना है डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, वो नहीं कर सकता। तो पहले ग्रांट करो इसको, पहले रूट यूजर से लॉगिन करो, रूट से लॉगिन करो और फिर ग्रांट करूंगा। पहले फिर ग्रांट करोगे? अच्छा अच्छा पहले रूट से अंदर आया फिर ग्रांट करो सर। ग्रांट करो ना, ग्रांट SELECT सिलेक्ट कॉमा है, हाँ कॉमा फिर क्या इंसर्ट ही है ना। पहले टेबल तो बनाओ इन्वेंटरी नाम का टेबल है, टेबल बनाना पड़ेगा। ये डेटाबेस पहले बनाओ। हाँ ये कमांड चला चुकी हो तुम, सिलेक्ट वाला इस अमर वाला सब कुछ बन चुका है। ये वाला कर चुकी हो कि नहीं कर चुकी है? कर चुका हूँ। तो डेटाबेस पहले बनाओ। मैं बाहर आ गया था फिर उससे कोई बात नहीं, डेटाबेस बनाओ। बनाओ मैं क्रिएट लिखता हूं, रूट यूजर से डेटाबेस बनाओ। रूट यूजर ठीक है, इन्वेंटरी इन्वेंटरी रिवो ऐसे नहीं बना रहा। अरे यार रूट पे ही लॉगिन हो भाई मेरे, देखे रूट पे ही तो लॉगिन हो। सर डेटाबेस ऑलरेडी नहीं, ऑलरेडी नहीं डेटाबेस एग्जिट दिखा रहा है। तो बताइए ग्रांट वाला लिखा है ग्रांट GRANT स्पेस सेलेक्ट कोमा इंसर्ट सेलेक्ट कोमा स्पेस इंसर्ट INSERT इंसर्ट कोमा स्पेस अपडेट कोमा डिलीट डिलीट स्पेस ऑन ON कोमा के साथ स्पेस, हाँ ऑन लिखो ऑन नहीं है कोमा थोड़ी लगेगा, डिलीट के बाद कोमा लगेगा। लिट के बाद कोमा नहीं है? नहीं है, नहीं है भाई तुम हटा दो जो नहीं है ख़त्म हो गया मैं कॉलम नहीं हटा स्पेस ऑन डिलीट के बाद ऑन स्पेस और टेबल का नेम इन्वेंट्री इन्वेंट्री डॉट स्टार ठीक है स्पेस टू सर एक ग्रांट देने के बाद क्या करना है मुझे? ये लिखना ना ये प्रोडक्ट नेम रिवोक लिख दो। नहीं सुनो, उससे तुमने ग्रांट दिया कि अमर नाम का जो यूजर है वो इन्वेंटरी डेटाबेस में कुछ भी कर सकता है, मतलब कि टेबल क्रिएट कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है, अपडेट डिलीट कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ठीक है। अब वो अमर नाम से हो जाएगा तो वहाँ पर अपना खुद का टेबल बना सकता है। तो मैं अब अंदर जाऊँ अमर के फिर जाके टेबल बनाना पड़ जाओगे तुम? नहीं चेक तो करो बन जाएगा, जैसे टेबल बनाया था ना हमने वैसे टेबल बन जाएगा। अच्छा अमर के अंदर जाके, अमर के अंदर जाके अच्छा ये सेलेक्ट करोगे फिर यूज इन्वेंटरी सेलेक्ट करोगे हाँ हाँ, तब जाके तीनों क्रिएट टेबल कमांड हम लोग चला रहे थे ना नोटपैड में कॉपी करके, वो चलाओगे तो चल जाएगा। हाँ नोटपैड में कॉपी करके ठीक है। फिर उसके बाद अब किसी रिक्वायरमेंट की वजह से मैं
में है कि भाई हम अपना आपका जो यूजर है उसे